वेलकम टू प्राइसलेस वेल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज हम लोगों का जर्नी है उदयपुर में। हम लोग ऑलरेडी उदयपुर में हैं और उदयपुर का जो पूरा फुल सिटी टूर है आज है। यहाँ के लोकल साइट सीन जो है, जो भी जितना होगा उतना हम करेंगे, क्योंकि हम लोगों का ये जो जर्नी है बहुत ही टाइट शेड्यूल हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग आज थोड़ा रिलैक्स में निकल रहे हैं। तो अभी निकलेंगे, उसके पहले देख लीजिए होटल से ये जो इधर का लेक दिख रहा है उसका नज़ारा। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। आज हम लोग के ब्रेकफास्ट में है पोहा, आलू पराठा, बटर टोस्ट, ऑमलेट और साथ में टी कॉफी, जो भी आप पाएंगे। यहाँ के रूफटॉप में बैठ के ब्रेकफास्ट का जो ये अरेंजमेंट है ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो चलिए अभी निकलते हैं उदयपुर साइट सीन के लिए। उदयपुर का हम लोग का जो स्टे है ये एक प्राइवेट विला है, इसका नाम है बेल्लेव्यू विला। आप लोग भी इसको बुक कर सकते हो। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये एक प्राइवेट विला है तो इसमें ज्यादा अकोमोडेशन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग और एक फैमिली है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं करणी माता टेम्पल विजिट करने के लिए। तो इसका जो मेन स्पेशलिटी है इसका रोपवे सर्विस। करणी माता टेम्पल जाने के लिए यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ेगा रोपवे में, और रोपवे में जाने के टाइम आपको पूरा उदयपुर का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो चलिए हमारा लाइन जो है आ चुका है, तो चटपट रोपवे में जाके चढ़ते हैं। आप लोग देख सकते कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, पूरा उदयपुर सिटी जो है यहाँ से दिख रहा है। उदयपुर करणी माता टेम्पल का जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ का व्यू पॉइंट। ये ऊपर से पूरा सिटी इतना खूबसूरत दिख रहा है ना, ब्लू और ग्रीन के अंदर जो येलो और वाइटिश एक शेड बना है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से देखने के लिए। बहुत सारे लोग जो है उदयपुर साइट सीन में ये जगह आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन फॉर माई साइड दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड प्लेस, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगी है। एक्चुअली हम लोग तो सोच रहे हैं अगर शाम को भी हम लोग को वक्त मिलेगा, क्योंकि रात 10 बजे तक ये प्लेस खुला रहता है, तो अगर शाम को भी हम लोग को वक्त मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग और एक बार आने की ट्राई करेंगे, क्योंकि सिटी लाइट्स जब जलेंगी तो ये जगह शायद और भी खूबसूरत दिखेगी। देखिए लेक कितना खूबसूरत दिख रहा है, दूर से वहाँ पे जग मंदिर भी दिख रहा है। इतनी खूबसूरत जगह में आए हैं, थोड़ा फोटो सेशन ना हो ऐसा थोड़ी हो सकता है। और मेरे लिए मेरा पर्सनल फोटोग्राफर तो मेरे साथ ही में रहता है, मेरा पर्सनल फोटोग्राफर है मेरा भाई, तो थोड़ा फोटो सेशन तो बनता है। तो करणी माता टेम्पल विजिट करने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए हैं सिटी पैलेस। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे जग मंदिर, उसके बाद विजिट करेंगे सिटी पैलेस। उदयपुर सिटी पैलेस जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड एक पैलेस है। अभी तक जितने पैलेसेस भी हम लोग ने देखे हैं उसमें से मुझे सबसे ज्यादा वेल मेंटेन्ड पैलेस ही उदयपुर सिटी पैलेस ही लगा है। दूसरी चीज जो है, ये पैलेस जो है बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे रोड में भी आपको चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन और रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है उदयपुर के लिविंग किंग अरविंद सिंह मेवा जी और उनके फैमिली यहाँ पे अभी भी रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट्स ऑल टाइम होते रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए सब लोग यहाँ पे आ गए हैं, और हमारे पास जगमंदिर जाने से पहले अभी भी थोड़ा वक्त है, तो सब जब यहाँ पे आ गए तो इनके साथ थोड़ा मस्ती करते हैं। चलिए मेरे पापा के पास चलते हैं। कोथा जाच्छो? एजी रुकते हैं। এখন কোথায় যাচ্ছো? আমার গাইড জানে, গাইড আমাদের নিয়েছে। তা তুমি কিছুই জানো না? না আমি এখন জানবো, জানবার জন্য এসেছি। ঘুরতে এসেছি, দেখতে এসেছি। কতজন এসেছো? শুনতে এসেছি। কতজন এসেছো? আমরা 13 জন এসেছি। টোটাল ফ্যামিলি? টোটাল একই ফ্যামিলি বলতে পারেন, আবার ভাগ করে বললে চার ফ্যামিলি বলতে পারেন। চার ফ্যামিলি। হ্যাঁ। বাসস্থান কোথায়?
বাসস্থান ওয়েস্ট বেঙ্গল মমতা দিদির ওখানে কোথায় জায়গাটার নাম বলুন ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল না মানে পশ্চিমবঙ্গ কোন জায়গাটা অ্যাকচুয়াল থাকে কলকাতার আশেপাশে শান্তিনগর মোড় শান্তিনগর মোড় আপনি জানলেন কি করে আপনি কি ওখান থেকে এসেছেন হ্যাঁ আমরাও ওখান থেকে আচ্ছা 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 এদিকে চলে আসুন অনেক কথা হবে আপনাদের সাথে যাক ভালো অনেকক্ষণ ধরেই এরকম লোক আমরা খুঁজছিলাম ভালো লোক ছিলাম আপনার ভালোর জন্য বললাম সেটা আপনি উল্টো বুঝলেন আমাকে तो चलिए अभी हम सब लोग जाएंगे जगमंदिर। जगमंदिर जाने के लिए आपको यहाँ का बोटिंग सर्विस लेना पड़ेगा जिसका टिकट मिलता है सिटी पैलेस के अंदर से ही। ये टिकट पर हेड 600 रुपीस करके पड़ता है। टिकट खरीदने के बाद आपको यहाँ पे जो भी फर्स्ट बोट मिलेगा आप उसमें चढ़ के जा सकते हो। फिर वहाँ पे जगमंदिर घूमने के बाद आपको जो भी फर्स्ट बोट मिलेगा आप उसमें चढ़ के वापस आ सकते हो। यहाँ पे भी आपको आगे आगे आना पड़ेगा क्योंकि अगर आप लाइन में आगे रहे तो आपको बोट में अपनी पसंदीदा सीट में बैठने का मौका मिलेगा, नहीं तो जो लेफ्ट ओवर सीट रहेगा उसमें बैठना पड़ेगा। Time thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. ये बोट जो है जाने के टाइम थोड़ा बहुत लेक को घुमाते हुए लेके जा रहा है और सिटी पैलेस का जो लेक के साइड से व्यू है उसको भी दिखाते हुए लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी 600 रुपीस पर हेड मुझे ये सफ़र के लिए, ये बोट राइड के लिए कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। जो भी ओवरऑल ये बोट राइड काफ़ी अच्छा लग रहा है और लेक के अंदर से सिटी पैलेस का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेके चारों तरफ जितने भी बिल्डिंग्स और जितने भी होटल्स वगैरह है सभी का जो येलो और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है बोट में बैठे हुए आपको किसी फॉरेन कंट्री का ही फील देगा। लेक साइड में ये जितने भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ये एक्चुअली सब होटल्स हैं। मैं यहाँ पे आने से पहले एक्चुअली चेक की थी सबके चार्जेस। यहाँ पे जितने भी होटल्स आप देख रहे हो लेक साइड में यहाँ पे पर नाइट रूम चार्जेस 20,000 से स्टार्ट करके 40,000 to 50,000 तक है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवर रेटेड लगा। देखिए बात करते करते आ गया है जग मंदिर, तो चलिए झटपट चलते हैं अंदर और जग मंदिर घूम लेते हैं क्योंकि हम लोग के पास वेस्ट करने के लिए टाइम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हम लोग का पूरा दिन का जो है शेड्यूल अभी बाकी है, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी जगह घूमना है, तो जल्दी से जग मंदिर घूम लेते हैं। दोस्तों एक्चुअली में अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक पार्क टाइप का बना हुआ है और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए कुछ प्लेसेस है और बस यहाँ पे कैफ़े बना हुआ है जहाँ पे आप अगेन पैसा खर्चा करके चाय कॉफ़ी पी सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड है। मेरी साइड से तो ये जगह टोटली नॉट रिकमेंडेड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। ऊपर से यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा, तो इसके अलावा ये जगह को स्किप करके आप कोई दूसरी जगह घूम सकते हो। बस यहाँ पे आके आप फोटो और वीडियोग्राफी कर सकते हो, अगर आपको रील्स वगैरह बनाना है तो उसके लिए ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हो यही बस है एक पार्क टाइप का यहाँ पे। अगर आप लोग कोलकाता में मिलेनियम पार्क या फिर प्रिंसेप घाट घूमे हो तो यहाँ पे आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बोटिंग जो है आप कहीं और भी कर सकते हो। तो एक्चुअली में यहाँ पे और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से जल्दी से चलते हैं और यहाँ से जाते हैं सिटी पैलेस। ভাই রাস্তার সাথে কি সুন্দর ছবি আসছে, তুই কোথায় পালিয়ে গেলি তোকে শুনছি। अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी पैलेस म्यूजियम की तरफ। ओवरऑल जो है सिटी पैलेस काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है। उदयपुर जो है हाई रेटेड होने का एक कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे जितने भी डेस्टिनेशन वेडिंग होता है वो सारे उदयपुर में होता है, तो शादियों के लिए यहाँ की आधी जगह जो है वो बुक्ड रहती है, तो इसीलिए उदयपुर शायद इतना ओवररेटेड है। दोस्तों हम लोग घूम चुके हैं उदयपुर सिटी पैलेस, तो अभी यहाँ का जो टॉय ट्रेन है उसमें चढ़ के हम लोग जा रहे हैं मेन गेट की तरफ।
दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन हमारा सफर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, आगे बहुत सारा जर्नी बाकी है। उसको देखने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आने से ही तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।